फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड का साइंस का सेकंड लेसन स्टडी करेंगे, जो कि द प्लांट वर्ल्ड। हमें प्लांट के दुनिया के बारे में यहाँ पर स्टडी करना है, और इस सेकंड लेसन में हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। आपने तो प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स देखे होंगे, और उन नंबर ऑफ प्लांट्स के नंबर ऑफ पार्ट्स भी है। उन सभी पार्ट्स के हमें यहाँ पर स्टडी करना है, और जब आप ये लेसन स्टडी करेंगे पूरा, तो आप कैपेबल हो जाएंगे कि प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसका नेमिंग भी कर सकते हैं, और ये जो प्लांट्स के पार्ट्स है, ये इनका फंक्शन क्या है, मीन्स कार्य क्या करते है, ये भी हमें पता चलेगा। तो चलो सी क्या बोला उन्होंने। फर्स्ट देखो, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के एंड के बाद में, या एंड होने के बाद, या एंड होने तक, यू विल बी एबल टू आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? नेम द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट्स के जो पार्ट्स है उसको आप नेमिंग कर सकते हैं, या उसके नाम बता सकते हो। एंड सेकंड चीज, ये लेसन कंप्लीट होने के बाद आप ये भी बोल सकते हो, से बता सकते हो या बोल सकते हो, व्हाट द पार्ट्स डू। ये जो प्लांट है, प्लांट की जो नंबर ऑफ अलग अलग पार्ट्स है, ये पार्ट्स क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, ये आप बता सकते हो। कब बताएंगे? एंड ऑफ द लेसन। तो चलो सबसे पहले हम इस लेसन की स्टडी करेंगे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेसन? पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ओके, चलो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, वो पहले कंप्लीट कर लेंगे। क्या एक्टिविटी है? गेट एक्टिविटी। चलो एक एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। गो आउट, चलो घर के बाहर जाओ। गो आउट, बाहर जाओ घर के, एंड जेंटली डिग अप ए वीड। क्या करो? एक वीड बोले तो जो ग्रास रहते है ना, घास रहता जिसे कहते हैं हम, उसको डिग अप मीन्स सॉइल के बाहर निकालना है। ओके, उखाड़ना है, सॉइल के बाहर निकालना, डिग अप करना मीन्स सॉइल से रिमूव करना है उसको। ओके, अब बगर कैसे? जेंटली, ठीक है, गो आउट ऑफ योर होम धीरे। ओके, एंड जेंटली डिग अप, धीरे से डिग अप करो ए वीड, वो जो प्लांट दिखाई दे रहा है आपको, ग्रास, घास दिखाई दे रहा हो। अभी ये प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक चीज बताई, ये डिग अप करना, जेंटली डिग अप करने के लिए आप क्या करो, इट इज इजियर टू डू दिस, ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। It is easier to do this. ये जो वीड है उसको gently dig up करने के लिए आप एक process करो, कौन सी? If you water the soil, जहां पर ये वीड है उस वीड के आजू बाजू की जो soil है उसको water दो। जब आप उस soil को watering करेंगे तो वो वीड आप gently dig up करेंगे, gently उसको remove करेंगे, वो बाजू को लेंगे, निकाल के लेंगे। अभी जब आप डिग अप किया उसको, वाटरिंग किया अपने सॉइल को, सॉइल को आपने वाटरिंग किया, और उस वीड को जेंटली डिग अप किया। अभी देखो डिग अप करने के बाद क्या है, व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हो? ग्रोइंग इन द सॉइल, वो जो वीड है, वीड जब आपने डिग अप किया तो सॉइल के अंदर का जो पार्ट है उस वीड का, तो क्या कर रहा था, क्या ग्रो हो रहा था वहां पर? ग्रोइंग मीन्स बढ़ रहा था, और अंदर के साइड, नीचे के साइड में जा रहा था वो सॉइल के। और व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हो? ग्रोइंग अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर का जो पार्ट है जिस वीड का, वहां पर क्या बढ़ रहा था? ओके, ये सभी चीजें हम इस लेसन में डिटेल में स्टडी करेंगे। वीड का मतलब क्या होता है? एक ए प्लांट दैट वी डोंट वांट, ए प्लांट दैट वी डू नॉट वांट, ऐसा प्लांट
जिसकी हमें जरूरत नहीं, डू नॉट वांट, हमें नहीं चाहिए, ऐसे प्लांट को हम वीड बोलते हैं, और उसको रिमूव करना जरूरी रहता है. रिमूव मीन्स उस सॉइल से निकलना जरूरी रहता है, क्लीन करना जरूरी रहता है. क्यों? कि हमें नहीं चाहिए, डोंट वांट, वी डू नॉट वांट दैट टाइप ऑफ प्लांट्स, इसीलिए तो हम उसे वीड कहते हैं. जिन जिन प्लांट्स की हमें जरूरत नहीं उन्हें हम वीड कहते हैं. ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन को. ओके, गेट रेडी फॉर द लेसन. अभी प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आप देखो आपके सराउंडिंग में कुछ प्लांट्स होंगे, उस प्लांट्स में कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे कि स्टेम, जैसे कि उस प्लांट को ब्रांचेस भी रहेंगे, ब्रांचेस मीन्स फांदिया, एंड द लीव्स, और पत्तियां भी रहेगी उसको. हाँ, ओके, ब्रांचेस मीन्स डालिया. ओके, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स. स्टेम क्या है, ब्रांचेस किसे कहते हैं, एंड लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियां. ओके, तो चलो इन सभी चीजों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सी द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का वो पार्ट दैट ग्रोज, जो बढ़ता है अप, दैट ग्रोज अप, जो ऊपर बढ़ता है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर बढ़ने वाला प्लांट्स का पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेम, उसी को हम स्टेम कहते हैं. स्टेम का डेफिनेशन देखो, स्टेम किसे कहते हैं, कि प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड से ऊपर ग्रोइंग अप होता है, प्लांट के पार्ट को हम स्टेम कहते हैं. सी अगेन द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का वो हिस्सा दैट ग्रोज अप फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, बढ़ जाता है, इज द स्टेम, उस प्लांट का उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे. ओके, नाउ सी, तो ये जो स्टेम है ना, इट मीन्स स्टेम, इट हेल्प्स, मीन्स द स्टेम हेल्प्स द प्लांट, प्लांट को ये स्टेम हेल्प करता है, मीन्स मदद करता है. काय के लिए मदद करता है, स्टैंड स्ट्रेट, प्लांट को सीधा खड़े रहने के लिए, स्टैंड स्ट्रेट, प्लांट को सीधा खड़े रहने के लिए प्लांट का जो पार्ट हेल्प करता है उस पार्ट को हम स्टेम बोलते हैं. सी नेक्स्ट क्या बोला, अभी स्टेम के बारे में और कुछ बातें हैं यहाँ पर. द स्टेम ऑफ ए ट्री, झाड़ का जो स्टेम रहता है इज थिक, चौड़ा रहता है, एंड हार्ड, कठिन रहता है, टफ रहता है, ठीक एंड हार्ड, कड़क भी रहता है, ठीक जाड़ा भी रहता है. और ऐसे ट्री के स्टेम को वी कॉल इट, उस स्टेम को हम बोलते हैं ए ट्रंक. क्या बोलते हैं, ट्रंक. किसे ट्रंक कहते हैं, जिस ट्री का स्टेम ठीक एंड हार्ड है उस ट्री के स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ट्रंक. ये देखो यहाँ पर पिक्चर में, ये देखो कितना थिक और हार्ड है, ये दिस इज द स्टेम ऑफ द ट्री, दिस इज द स्टेम ऑफ द ट्री, और इसे हम ट्रंक कहेंगे, बिकॉज यो ट्री का ऐसा पार्ट है जो थिक भी है और हार्ड भी है. सेकंड थिंग, ये जो स्टेम है इस प्लांट को या इस ट्री को स्टैंड स्ट्रेट होने के लिए हेल्प करता है, इसी को हम ट्रंक कहते हैं. ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम ब्रांचेस. ब्रांचेस मीन्स जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो फांदी रहती है उसे हम ब्रांचेस कहते हैं. ब्रांचेस ग्रो आउट फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से निकल के आती है बाहर ब्रांचेस. देखो यहां पर जो ट्री है, इस ट्री का ये स्टेम है, और स्टेम से जो ग्रो आउट बाहर हो रहे, ग्रो आउट फ्रॉम द स्टेम, देखो ग्रो आउट फ्रॉम द स्टेम, ग्रो आउट फ्रॉम द स्टेम, दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस, इसी को हम ब्रांचेस कहेंगे. ओके,
और इन्हीं ब्रांचेस पे क्या होता है, लीव्स आते हैं, पत्तियां, देखो लीव्स ग्रो ऑन द ब्रांचेस। लीव्स कहाँ पर ग्रो होते जाते, बढ़ते कहाँ पर, ऑन द ब्रांचेस, और ब्रांचेस कहाँ पर ग्रो होते, स्टेम पे। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन, और लीव्स के बारे में देखो, ज्यादा करके जो लीव्स रहते उनका कलर हमेशा ग्रीन ही रहता है, मोस्ट लीव्स आर ग्रीन। ओके, यहाँ पर कुछ है देखो, यहाँ पर देखो, लीव्स मे बी बिग और स्मॉल, देखो लीव्स पत्तियां मे बी बिग बड़े बड़े रहेंगे, और स्मॉल या पत्तियां छोटे छोटे भी हो सकती है। जो ट्री के लीव्स है वो बिग भी हो गए और स्मॉल मीन्स छोटे भी हो गए। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द बनाना एंड द लोटस प्लांट। बनाना प्लांट ले लो या लोटस का प्लांट ले लो, हैव लार्ज लीव्स। बनाने के प्लांट को या लोटस के प्लांट के जो लीव्स है वो लार्ज मीन्स बड़े है, बिग है। यहाँ पर देखिए पिक्चर में बनाना लीफ, ये देखो बनाने के लीफ कितने बड़े है, बिग बिग है, ओके लार्ज भी है बिग भी। और ये लोटस लीफ, ये लोटस का लीफ, लीफ मीन्स सिंगल पत्ती, ओके। अभी देखो हमने लीव्स के बारे में क्या सुना था, लीव्स मे बी बिग और स्मॉल बोले थे हमने। अभी यहाँ पर तो बनाना के लीफ, लोटस का लीफ तो क्या है, लार्ज है मीन्स बिग है। अभी और देखो, अभी नेक्स्ट द रोज एंड कोरिएंडर। रोज का लीफ लो या कोरिएंडर का लीफ लो, रोज एंड कोरिएंडर प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स। ये देखो यहाँ पर तो पिक्चर में दिखाई दे रहा है हमें, ये रोज का लीफ है कितना छोटा है, ओके स्मॉल लीव्स है रोज का। एंड कोरिएंडर का भी लीफ लो, ये भी बहुत स्मॉल है, ओके हम खाना बनाने में कोरिएंडर का लीफ यूज करते हैं और उससे हमारे टेस्ट बढ़ जाते हैं, ओके ये होगा यहाँ पर लीव्स मीन्स सम लीव्स आर बिग और स्मॉल। जैसे कि हमने बनाना एंड लोटस प्लांट्स के लीव्स देखे वो लार्ज लीव्स है, और रोज और कोरिएंडर प्लांट्स के लीव्स जो है स्मॉल लीव्स है, ओके तो चलिए यहाँ पर अभी क्विक चेक करेंगे, क्विक चेक क्या रहता है देखेंगे। विच पार्ट ऑफ द ट्री ग्रोज स्ट्रेट अप, ट्री का ऐसा कौन सा पार्ट जो ग्रो होता है, मगर ग्रो मीन्स बढ़ता है स्ट्रेट अप, सीधा बढ़ता है फ्रॉम द ग्राउंड। अभी हमने देखा है क्या देखा है, द स्टेम और द ब्रांचेस, स्टेम ग्रो अप होता है स्ट्रेट या ब्रांचेस, द ट्री का वो पार्ट है स्टेम, स्टेम क्या होता है ग्रो स्ट्रेट अप फ्रॉम द ग्राउंड, और ब्रांचेस क्या है, ब्रांचेस क्या होते हैं ग्रो आउट फ्रॉम द स्टेम, ब्रांचेस तो स्टेम पे ग्रो आउट हो जाते हैं, ओके सो दिस इज कॉल्ड क्विक चेक। ये चेक करना है कि हमने क्या क्या अभी स्टडी की, ओके नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसे हम निबलेट कहेंगे। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैव शार्प थोर्न्स, देखो यहाँ पर थोर्न, थोर्न मीन्स काटे 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 काटे, शार्प थोर्न्स है, कुछ प्लांट्स को शार्प थोर्न्स रहते, देखो काटे काटे, हाथ लगाओ तकलीफ हो जाएगी, ब्लड आ जाएगा आपके हाथों से, ओके ऐसे प्लांट को हम टच नहीं करते, हाँ चुभेगा ये थोर्न, जब चुभेगा ना तब आपको रहेगी आ, नहीं नहीं डोंट टच इट। मोस्ट एनिमल्स, ज्यादा एनिमल्स डू नॉट ईट थोर्नी प्लांट्स, क्यों थोर्नी प्लांट्स ये नहीं खा सकते, बिकॉज यहाँ पर थोर्न्स है काटे है जो उसको चुभे के खाते वक्त, इसलिए मोस्ट एनिमल्स डू नॉट ईट थोर्नी प्लांट्स, ओके अभी हमने लेसन में स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको रीडिंग करेंगे,
क्विक रीडिंग करेंगे। क्या बोला है? चलो, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। ओके, द पार्ट ऑफ द प्लांट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अप फ्रॉम द ग्राउंड इज द स्टेम। इट हेल्प्स द प्लांट स्टैंड स्ट्रेट। इट हेल्प्स द प्लांट स्टैंड स्ट्रेट। द स्टेम ऑफ ए ट्री, द स्टेम ऑफ ए ट्री इज थिक एंड हार्ड। थिक एंड हार्ड। वी कॉल इट ए ट्रंक, वी कॉल इट ए ट्रंक। ब्रांचेस, ब्रांचेस, ब्रांचेस ग्रो आउट फ्रॉम द स्टेम। ब्रांचेस ग्रो आउट फ्रॉम द स्टेम। लीव्स ग्रो ऑन, लीव्स ग्रो ऑन द ब्रांचेस। Leaves grow on the branches. Most leaves are green. Leaves may be big or small. Big or small. The banana and lotus plants, the banana and lotus plants have large leaves. The rose and coriander plants have small leaves. थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, थैंक यू।